लो गाइस, जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हो ये काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी मूवी की शूटिंग की जा चुकी है, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स एंड रहना है तेरे दिल में, और यहाँ पर कुछ पंजाबी सॉन्ग वगैरह की शूटिंग की जा चुकी है। ये काफ़ी फेमस जगह है। इस जगह का नाम है FRI देहरादून उत्तराखंड। तो गाइस, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो यहाँ पर कैसे आना है आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इसका मैं आपको अंदर का व्यू दिखाऊँगा, अंदर से ये कैसी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप मेरे वीडियो में बने रहें। फाइनली गाइस, आपको आ जाना है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, देन यहाँ से आपको ट्रेन पकड़ लेनी है। अगर आप दिल्ली के नज़दीक से बिलोंग करते हो तो आपको मेट्रो के थ्रू आप आते हो तो आपको सबसे पहले आना होगा चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। देन यहाँ से आपको 3 नंबर से एग्जिट करना होगा, बिकॉज जो 3 गेट नंबर है वो आपको जस्ट रेलवे स्टेशन के सामने छोड़ेगा, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने छोड़ेगा, उधर से आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको टिकट लेना होगा। ये जो ट्रेन है ये आपको नाइट में ट्रेन 10:30 बजे के समथिंग जाती है, तो यहाँ पर आपको ट्रेन ले लेनी है। सो फाइनली गाइज, मैंने ट्रेन का टिकट ले लिया है और मैं यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर जाता हूँ और वहाँ पर ट्रेन को फाइंड करता हूँ। फाइनली गाइज, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर पहुँच चुका हूँ और मेरी ट्रेन यहाँ पर खड़ी है, तो मैं इसका वेट करता हूँ। मैं पहले ही पहुँच चुका हूँ, सीट मिलती है या नहीं मिलती है। तो गाइज, फाइनली आपको भी पहले यहाँ पर आ जाना है और ट्रेन को वेट करना है। ये ट्रेन आपको प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर मिलेगी और जो इसका टिकट प्राइस है वो 120 रुपये होता है। ये ट्रेन यहाँ पर रात के 10:30 बजे के समथिंग यहाँ से चलती है। फाइनली गाइज, ये ट्रेन यहाँ से अभी चल चुकी है, तो मैं ट्रेन के अंदर बैठ चुका हूँ। एंड गाइज, जैसे ही आप यहाँ पर जाते हो तो आप यहाँ पर अपने जैकेट वगैरह पहन के जाएं, बिकॉज जैसे ही आप हरिद्वार से आगे चलते हो तो वहाँ पर ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी ठंड होती है। तो आप मैं आपको बताऊँ कि आप अपने साथ जैकेट वगैरह लेकर जाएँ। गाइज, जैसे हम यहाँ पर ठंड के टाइम गुड मॉर्निंग का, जब मॉर्निंग हो चुकी है और हमने हरिद्वार से क्रॉस कर लिया है। यहाँ पर मैंने आपको अपने लिए चाय ली थी और चाय पी थी। यहाँ पर एक चाय को 10 रुपये में देते हैं। चाय के अगर बारे में बात करते हैं तो चाय की अच्छी तो नहीं बट हाँ ठीक ठाक होती है। एंड गाइज, अगर आपको ट्रेन जब बैठता है तो अगर आपको विंडो सीट मिल जाए तो बहुत बेहतरीन होता है, बिकॉज यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हो। यहाँ का व्यू काफ़ी बेहतरीन होता है, यहाँ पर पहाड़ वगैरह और यहाँ पर जो पेड़ हैं काफ़ी बेहतरीन पेड़ होते हैं, आम बगीचा वगैरह होते हैं। तो आप अगर आपको विंडो सीट मिलती है तो आप विंडो सीट पर जरूर बैठें और यहाँ से बाहर का व्यू जरूर देखें। सो फाइनली गाइज, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमने इसके अंदर एंट्री कर ली है। जो FRI के अंदर जो एंट्री टिकट होता है उसका प्राइस ओनली 15 रुपये होता है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो यह देहरादून के प्रेम नगर में पड़ता है। आपको जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से उतरोगे वहाँ से आप एक ऑटो वगैरह ले सकते हो जो कि 30-40 रुपये मिनिमम लेगा। वो आपको उससे बोल देना कि प्रेम नगर हमें जाना है, तो आप प्रेम नगर आने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो गाइज, देख सकते हो यह उसका अंदर का व्यू है, काफ़ी बड़ा है। तो आप जैसे ही मेन गेट से एंट्री करोगे तो आपको इधर से सीधा आना होगा, तो देन आपको आगे चलना होगा। आपको 500 या 300-400 मीटर आगे जाने के बाद आपको एक ट्रॉली मिलेगी। तो गाइज, हम आगे चलते हैं और आप देख सकते हैं व्यू किस प्रकार इसका व्यू है। सो गाइज, जैसे ही आप यहाँ पर आते हो यहाँ से आपको इस चौराहे से लेफ्ट आपको लेना है और देख सकते हो आप जस्ट सामने जो दिखा यही FRI कॉलेज है जो कि यहाँ पर जो मेन लोकेशन है। तो गाइज ठीक है, हम यहाँ पर चलते हैं और आपको इसका अंदर का व्यू दिखाते हैं। एंड गाइज, आप जस्ट सामने देख सकते हो ये इसका ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर जो इसका एरिया है वो काफ़ी बड़ा एरिया है। सो गाइज, हम आपको दिखाते हैं, फाइनल यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हो यही वो FRI इंस्टीट्यूट जहाँ पर काफ़ी फिल्मों की शूटिंग की जा चुकी है। आप वीडियो में मेरे साथ अंत तक बना रहे हैं, मैं आपको इसका अंदर का व्यू दिखाऊंगा। जहाँ पर मूवियों की शूटिंग की गई है एग्जैक्ट आपको वही लोकेशन हम दिखाएंगे जहाँ से मूवी की शूटिंग की गई क्लिप के साथ। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रंट साइड की, देन उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसका अंदर का व्यू एंड लास्ट में आपको दिखाएंगे हम इसका बैक का सीन। सो गाइज, हमसे पहले बात करते हैं इसका फ्रंट साइड की। सो गाइज, ये इसका फ्रंट व्यू है और देख सकते हो यहाँ पर कितना बेहतरीन इसका फ्रंट व्यू है। इधर ही कई मूवियों में यहाँ की शूटिंग की जा चुकी है, तो मैं आपको यहाँ पर वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। सो गाइज, आप बैकग्राउंड में देख सकते हो एज तो यही सीन है जो कि जट लुधियाना वाला सॉन्ग में से क्लिप लिया गया है, ये वही सीन है जो सीन है। और जो ये इस मूवी का नाइट का सीन है, इस बैकग्राउंड का आप सेम देख सकते हो, एज इट इज वही सेम सीन है।
एंड गाइस नेक्स्ट क्लिप आपने सभी ने ये मूवी जरूर देखी होगी। ये मूवी ये स्टूडेंट यश टू का सीन है और यहाँ पर टाइगर श्रॉफ का आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एंट्री लेता है और ये गेट से व्यू ले हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड में जो FRI का ही ये सीन लिया हुआ है। तो ये मूवी काफ़ी फेमस भी हुई, तो इसी मूवी की वजह से ये जगह भी काफ़ी फेमस हो चुकी है। तो ये भी यहाँ का ही सीन है। आप देख सकते हो ये पंजाबी सॉन्ग है, ये काका का गाना है, काफ़ी फेमस गाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड जो लोकेशन है, आप ये भी यहाँ पर जो काका है वहाँ पर एक्टिंग कर रहा है, वो बेस्ट फ्रेंड है। तो भाई ये इसका फ्रेंड सीन था और यहाँ पर जो मूवी स्क्रिप्ट मैंने आपको दिखा दी थी, और मैं आपको आगे करता हूँ इसका जो अंदर का व्यू है, मैं आपको तो गाइस हम आपको अब दिखाते हैं इसका अंदर का व्यू किस प्रकार का है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका अंदर का व्यू है ये है, और मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि वीडियो क्लिप और जो भी एजेटिव यहाँ पर जो शूटिंग हुई थी उसको क्लिप को दिखाऊंगा, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बना रहे। चलिए मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो अंदर का व्यू, यहाँ पर जो क्लिप आप उसमें देख सकते हो जो बैकग्राउंड एज टू एक जैसा ही लोकेशन है, बट ओनली इसमें एक ही ये डिफरेंट है कि जो पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा बंद हुआ है, अदरवाइज आपको इस लोकेशन को देख सकते हो यहीं पर ये गाना शूटिंग की गई है। एंड आपको आगे नेक्स्ट और भी क्लिप दिखाते हैं। सो गाइस आप बैकग्राउंड देखो, यहाँ पर एक गाना सॉन्ग शूट हुआ था जिसका नाम था कुकड़ुक वाला, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिद्धार्थ मल्होत्रा इसमें यहाँ गाना और यहाँ पर एंट्री करता है। यहाँ देख सकते हो पीछे एडिटिव पेड भी वगैरह सेम टू सेम ही बैकग्राउंड है, यही वही यहाँ पर यह गाना शूट हुआ है। और यहाँ पर आप इसका व्यू देख सकते हो चारों तरफ से, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ही अंदर का इसमें नज़ारा है। यहाँ पर अंदर का व्यू देख सकते हो कितना बेहतरीन व्यू है, यहाँ पर काफ़ी मूवी शूटिंग हुई है और यहाँ पर सॉन्ग वगैरह काफ़ी शूट हुआ है। ये इस FRI का अंदर का व्यू है, वो काफ़ी बेहतरीन व्यू है। आप चारों तरफ देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर काफ़ी मूवी वगैरह सॉन्ग वगैरह यहाँ पर शूट होते हैं। ये एक बेहतरीन शूटिंग प्लेस है और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की साइड जाने के लिए मना है, बट यहाँ पर ये काफ़ी लुकिंग गुड है इसकी। यहाँ पर आप देख सकते हो अंदर का व्यू दिखाता हूँ, मैं आपको चल कर देख सकते हो यहाँ पर ये इसका व्यू काफ़ी बेहतरीन हुई। यहाँ पर काफ़ी सॉन्ग वगैरह शूट होते हैं और यहाँ पर काफ़ी मूवी बनी है। और एंड आप यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा जो भी यहाँ पर आप देख रहे हो ये सभी आपको मूवी देखने को मिल जाएगा। निकाय जब हम आगे हैं इसके बैक साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हो व्यू, यहीं पर एक और काका का गाना सॉन्ग का शूट हुआ था, मैं आपको स्वागत है। अगर यहाँ पर हम आप सभी को आपको क्लिप दिखाएंगे तो यहाँ पर कॉपीराइट का इशू हो सकता है, इसलिए मैं आपको और कॉपी और क्लिप नहीं दिखा सकते। बट यहाँ पर आप ये बैकग्राउंड देख रहे हो, इसका बैकग्राउंड यहाँ पर काफ़ी मूवी वगैरह और वेब सीरीज वगैरह में आपको ये सीन जरूर देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर आप आना चाहते हो तो यहाँ पर आप आ सकते हो, यहाँ पर आपको ज़्यादा रुपये भी नहीं खर्च होंगे। और यहाँ पर आप इसकी ओपनिंग की बात कहते हैं, ओपनिंग इसकी मॉर्निंग में 8:30 बजे से, और यहाँ पर क्लोजिंग की बात कहते हैं इवनिंग में 5:30 बजे के बाद क्लोज हो जाता है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो इजीली आप आ सकते हो। यहाँ पर इसका अंदर का व्यू काफ़ी बेहतरीन और यहाँ पर आप वीडियो वगैरह शूट कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन वीडियो वगैरह आते हैं। सो गाइज आप यहाँ पर जरूर आएँ, यहाँ पर इसका व्यू का मज़ा लें। और एंड गाइज यहाँ पर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, बताएँ कि ये वीडियो कैसी लगी।